हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ नए ड्रेस डिज़ाइंस जो आप अपने लिए कस्टमाइज करवा सकते हो। सबसे अच्छी बात ये गाइस कि ये ड्रेस अगर आप डिज़ाइन करवाते हो तो आपको बहुत ही कम बजट में, यानी कि बहुत ही लो बजट में पड़ने वाली है। टोटल 18 डिज़ाइंस मैं इस वीडियो में आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी डिज़ाइन रेडी करवा सकते हैं। जैसे कि अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो डिज़ाइन नंबर 18, ये डिज़ाइन आप बहुत ही कम बजट के साथ तैयार करवा सकते हैं। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद है गाइस, तो आप अपने आसपास की किसी भी शॉप से जहाँ पे थान से कपड़ा मिलता है, यानी कि बल्क में कपड़ा मिलता है, वहाँ से जॉर्जेट का फैब्रिक लेके ये डिज़ाइन कस्टमाइज करवा सकते हैं। बात रहती है प्रिंट की, तो प्रिंट आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। जो डिज़ाइन नंबर 18 दिखाया गया है वहाँ पे डॉटेड प्रिंट का यूज़ हुआ है। आप चाहो तो फ्लोरल प्रिंट भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंटेड फैब्रिक पसंद नहीं है या फिर ऑलरेडी आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक में बहुत सारी ड्रेसेस है, तो इन दैट केस आप प्लेन फैब्रिक से भी ये वाली ड्रेस अपने लिए बनवा सकते हो। प्लेन फैब्रिक में अगर हम पैटर्न की बात करते हैं कि किस तरीके का पैटर्न अच्छा लगेगा, तो वो आप ले सकते हो डिज़ाइन नंबर 17 से। सो गाइज, ये वाला डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक और स्टाइलिश लगता है। ये ड्रेस आप व्हाइट कलर में भी बनवा सकते हो और उसके साथ यूज़ कर सकते हो बेल्ट का। गाइज, बहुत ही क्लासी और बहुत ही यूनिक सा लुक क्रिएट होता है अगर आप इस ड्रेस को व्हाइट कलर में अपने लिए डिज़ाइन करवाते हो तो। ब्रोकेड के फैब्रिक के साथ भी आप बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइन करवा सकते हैं। अभी जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं वहाँ पे जो धोती सलवार है उसको बनवाया गया है ब्रोकेड के फैब्रिक से, और साथ में कॉटन के फैब्रिक का यूज़ किया गया है पेप्लम कुर्ती को बनवाने के लिए। उसके साथ गाइज, आप इन ड्रेसेस को दुपट्टे के साथ भी कैरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेप्लम कुर्तीज़ को एज अ टॉप यूज़ करते हो, तो इन दैट केस आपको दुपट्टा कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइज, डिज़ाइन नंबर 14 भी आप देख सकते हो कि यहाँ से आप आइडिया ले सकते कि ब्राउन कलर में भी आप ये वाली बहुत अच्छे तरीके से ड्रेस डिजाइन करवा सकते हो। पेप्लम ड्रेसेस की स्पेशलिटी यही होती है गाइस कि आप इन ड्रेसेस को किसी भी चीज के साथ कैरी कर सकते हो। लाइक, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज के साथ ही आप इसे कैरी कर सकते हो। जैसे कि डिज़ाइन नंबर 18 में हमने देखा था कि पेप्लम कुर्ती को कैरी किया गया था शरारा के साथ, लेकिन आप इन्हें लेगिंग्स के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हो। गाइस, कुछ लोग इन ड्रेसेस को बनवाने के लिए सिल्क के फैब्रिक का भी यूज़ करते हैं। सो वो तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फैब्रिक पसंद है। लेकिन अगर बात करें इसके वॉल्यूम की या फिर फ्लेयर्स की, तो जॉर्जेट का जो फैब्रिक होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेयर्स इसमें क्रिएट करता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप इन ड्रेसेस को आसानी से किसी भी टाइप के पैटर्न के साथ कैरी कर सकते हो, तो आप अभी डिज़ाइन नंबर 11 में देख सकते हो कि पेप्लम टॉप को यूज़ किया गया है प्लाजो के साथ। सो नेट का प्लाजो भी अगर आपके पास है तो वो भी आपका इजीली चल सकता है पेप्लम टॉप्स के साथ। अगर आप इस ड्रेस के साथ एथनिक लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। इन दैट केस आप कोई भी ट्रेडिशनल दुपट्टा इसके साथ पेयर कर लीजिए, तो आपका एथनिक लुक क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा नैरो पैंट्स भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है इस कुर्ती के साथ पेयर अप करने के लिए। सो गाइस, कहने का मतलब ये है कि इस ड्रेस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते क्रिएट करने के लिए। आप चाहो तो इसको दुपट्टे के साथ कैरी करो, अगर चाहते हो तो बिना दुपट्टे इसको कैरी कर सकते हो। उसके अलावा प्लाजो हो गया, आपका प्लाजो पैंट हो गया, या फिर लेगिंग्स हो गया, या शरारा या गरारा हो गया, जो भी आपके पास घर पे अवेलेबल है आप उसके साथ इसे मैच कर सकते हो। आप इन ड्रेसेस को आसानी से किसी भी पार्टी या फंक्शन में भी कैरी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप रूटीन में भी ये वाली ड्रेसेस यूज़ करना चाहते हो, तो इन दैट केस आप ट्राई करो कि कॉटन का फैब्रिक लेके ये वाली ड्रेस डिज़ाइन करवाने की, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक कंफर्टेबल भी रहता है और साथ के साथ स्टाइलिश भी लगता है। बट अगर आप किसी पार्टी या फिर फंक्शन के लिए ये ड्रेस डिज़ाइन करवाना चाहते हो, तो इन दैट केस आप कोशिश करो कि सिंथेटिक वाला फैब्रिक यूज़ करो, या तो फिर आपका जो जॉर्जेट का फैब्रिक होता है वो वाला यूज़ कर सकते हो। क्योंकि पार्टीज में या फिर फंक्शंस में जो शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट करता है। सो गाइज, ये बात हो गई कुछ एक डिजाइंस की और कुछ एक कलर कॉम्बिनेशंस की जो आप अपनी पेप्लम ड्रेस के लिए ट्राई कर सकते हो। डिजाइन नंबर 5 और 4, ये दोनों ही आप अपने डेली रूटीन के लिए बनवा सकते हो। चेक का फैब्रिक लेके आप अपने लिए शरारा बनवा सकते हो और उसको पेयर कर सकते हो सिंथेटिक पेप्लम कुर्ती के साथ। उसके अलावा आप इस पैटर्न को रिवर्स भी कर सकते हो, यानी कि जो आप शरारा बनवाने जा रहे हो उसको आप प्लेन फैब्रिक से बनवा सकते हो, और जो पेप्लम कुर्ती बनवाओगे उसको आप चेक के फैब्रिक से बनवा सकते हो। और अगर बात करें पार्टी वियर पेप्लम ड्रेस की, तो आप फॉलो कर सकते हो डिजाइन नंबर 3। इसके लिए आपको एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, तो शाइनिंग में जो एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक होता है वो काफी अच्छा रहता है पार्टी वेयर ड्रेस को डिजाइन करने के लिए। कैजुअल लुक के लिए या तो फिर कॉलेज पर्पस के लिए आप जा सकते हो डिजाइन नंबर 2 के साथ। गाइज, यहाँ पे आप टेसल्स का भी यूज कर सकते हो, उससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो डिटेलिंग होती है वो आपकी एड हो जाती है। बिटेक को सेम डिजाइन दिखा के आप अपने लिए धोती पैंट सिलवा सकते हो, और उसके साथ आप इस तरीके से कैरी कर सकते हो पेप्लम कुर्ती। सो गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आपसे
मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।